थर्ड यूनिट जो स्टार्ट करना है उसमें शुरू के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक में देखिएगा शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी किताबों के फर्स्ट चैप्टर में दे रखे हैं ठीक है सबसे पहला जो पार्ट है उसका दैट इज कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सिस्टम्स ये क्या है कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट आपको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ पावर मान लीजिए आपका जो लोड है वो है मान लीजिए सौ मेगावाट का आपको कितनी पावर चाहिए सौ मेगावाट पावर चाहिए सौ मेगावाट पावर आगरा से डेली पहुंचानी है डेली में पावर चाहिए आगरा में आपका सब स्टेशन है आगरा से डेली आपको 100 मेगावाट पावर पहुंचानी है इसका मतलब क्या है कि जितनी पावर पहुंचानी है वो आपको पता है 100 मेगावाट पावर पहुंचानी है आपको यही पता है कि इतना डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है इतने दूर आपको पावर पहुंचानी है अब आप ये मान के चलेंगे जितना लाइन लॉसेज है जितना लाइन यहां से आता जितनी लंबी लाइन लगा रखी है उसके अंदर लॉसेज बराबर होंगे लॉसेस भी आपने ये मान लिए कि हर तरह से लॉसेस उतने के उतने ही होने मान लीजिए ये आपको पता है कि सौ मेगावाट आप भेज रहे हैं तो से एक मेगावाट लॉस हो जाएगा बहुत हेवी रूटी आपने लॉस मान ली है एक मेगावाट की पावर खत्म हो जाएगी वेस्ट चली जाएगी 99 नाइन मेगावाट से पहुंच पाएंगे इतनी ये तीन चार चीजें आपने मान ली अब आप उस पावर को यहां से वहां तक कैसे पहुंचाएंगे डीसी सिस्टम यूज करेंगे कि सिंगल फेज एसी यूज करेंगे तो टू फेज ए यूज करेंगे कि थ्री फेज एसी यूज करेंगे थ्री फेज यूज करेंगे तो थ्री फेज थ्री वायर की थ्री फेज फोर वायर टू फेज में थ्री वायर फोर वायर या सिंगल फेज में टू वायर या टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ ये तीन अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं या डीसी में यूज करेंगे तो डीसी में टू वायर कि थ्री वायर विद मिड पॉइंट अर्थ कौन सा सिस्टम आप यूज करने वाले हैं हर सिस्टम में अलग अलग अमाउंट ऑफ पावर आपको भेजनी पड़ेगी मतलब कहने का ये है कि अगर आपने पावर उतनी की उतनी भेजी तो आपके लॉसेस जो होंगे वो आपने लाइन लॉसेस बराबर मान लिए पावर बराबर मान ली और लेंथ आपने बराबर मान ली अब कॉपर जितना आपका लगना है आपने लॉसेस बराबर मान रखे तो जितना आपको तार यहां से वहां तक तार लगाना है किसी केस में तार की जो तो रिक्वायरमेंट निकल के आएगी वो ज्यादा आएगी मान लीजिए आपने डीसी टू बार यूज करा हो सकता है आपको जितना कॉपर लगाना पड़ जाए उसमें लॉसेस आपने बराबर मान के चलने हैं ठीक है या तो आप ये मानते हैं कि लॉसेस कम ज्यादा हो रहे हैं आपने मान लिया कि लॉसेस भी उतना उतना ही मेरे को रखने हैं ना तो कम रखूंगा ना ज्यादा होने दूंगा तब ऐसे में जो कॉपर का वायर आप लगाने वाले हैं वो कितना थिक रखेंगे कितना मोटा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ज्यादा रखेंगे ये चीज आपको कंपैरिजन करनी है मतलब ये है कि अगर आप डीसी टू वायर यूज करें या एसी टू वायर यूज करें या एसी टू फेज थ्री वायर यूज करें तो किसमें जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा आएगा किसमें कम आएगा जिसमें भी ज्यादा आ रहा है वो सिस्टम आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसान वाला है नुकसान वाला है जिसमें भी ज्यादा कॉपर का क्रॉस एरिया ज्यादा निकल के आ रहा है क्रॉस एरिया और वॉल्यूम बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना कॉपर ज्यादा लग रहा है वो आपके लिए नुकसान वाला है तो ये कंपेरिजन करने का तरीका है ओवरहेड सिस्टम है ओवरहेड वाला तार आप लेकर चलने फिर यही वाले सारे एक्सरसाइज आप अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए भी आपको करनी है ठीक है तो ओवरऑल बारे में मैं आपको चार पांच बता देता हूं मेन चीज करने का तरीका बेसिक क्या वो मैं बताता हूं ठीक है सिस्टम कौन-कौन से हैं नाम तो जब हम करते जाएंगे तब तो आते जाएंगे थ्री फेज में थ्री वायर फोर वायर सिस्टम दो तरह के हो गए टू फेज में थ्री वायर फोर वायर सिंगल फेज में टू वायर थ्री वायर और टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ तीन सिस्टम हो गए सिंगल फेज में यही तीन सिस्टम डीसी के अंदर भी हो डीसी थ्री वायर डीसी वायर डीसीड पॉइंट अर्थ ये तीन अलग अलग सिस्टम्स हो गए डीसी के इतना सिस्टम कॉपर ज्यादा लगेगा किसमें कॉपर कम लगेगा ये चीज ओवरहेड सिस्टम्स के लिए और यही चीज अंडरग्राउंड सिस्टम्स के लिए आपको चेक करनी है ठीक है देखो तरीका बड़ा आसान काम है ठीक है पहले ओवर सिस्टम के लिए कर रहे हैं इसमें क्या क्या है पावर टू बी ट्रांसमिटेड एक्मशन है पावर पी बराबर है हर सिस्टम में जितने सिस्टम आप यूज कर रहे हैं हर एक केस में पावर आपको उतनी ही ले जानी है ठीक है ये पावर का फंडा क्या है ये वैसा फंडा है कि मान लिया रेस करनी है दो लड़के हैं दोनों रेस करने के लिए आ गए एक जना जो है वो मोटरसाइकिल लेकर लेकर के लेक करके आ गया दूसरा जना जो मोपेड लेकर आ गया हीरो तो रेस नहीं हो सकती रेस तभी होगी जब दोनों मोटरसाइकिल एक के, एक के की दोनों है, जो पेटल, पेटल की जो है उसमें दस लीटर पेट्रोल है दूसरे वाले में खाली एक लीटर पेट्रोल है तो ऐसे में उसको जीता हुआ नहीं माना जाएगा अगर वो एक लीटर तीस चालीस किलोमीटर गया उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई तो ऐसा नहीं कि दूसरा वाला जीत गया ऐसा नहीं है ठीक है कुछ चीजें मिनिमल बराबर चलनी पड़ेगी कि सबके पास बराबर है उसी तरह से हम ये चल कि जितनी पावर ट्रांसफर करनी है, डिस्टेंस इज एल मीटर्स में बराबर है, आगरा से के तक ही पावर आगरा करनी है। ये नहीं कि एक सिस्टम के लिए आगरा से निकाल दिया, दूसरे के लिए आगरा से मथुरा निकाल दिया, और कह दिया आगरा से मथुरा वाला सिस्टम है। भी हो जाएगा डिस्टेंस सेम होना चाहिए लाइन लॉस डब्लू वॉड डब्लू वॉट्स ये सब हर जगह सेम है लॉ से आपने बराबर मान के के तभी आप क्रॉस एरिया किसी का बड़ा किसी का छोटा निकल के आने वाला है और तीसरा है मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ यानी कि कंडक्टर में और अर्थ में जो वोल्टेज है VM, वो VM भी सब का सेम है डिफरेंस ये याद रखिएगा जब आप अंडरग्राउंड सिस्टम्स के लिए वाला डेरिवेशन करेंगे अंडरग्राउंड वाले तो पूरी तरह से आप ही करेंगे अंडरग्राउंड में वी की जो वैल्यू है दैट इज नॉट कंडक्टर टू अर्थ दैट इज कंडक्टर टू कंडक्टर कंडक्टर से कंडक्टर तक का वोल्टेज वीएम है वो हर एक केस में सेम माना जा रहा है ठीक है के लिए वी से अर्थ तक का सेम माना जा रहा है अब तरीका देखो इसके लिए क्या है सबसे पहले डीसी टू वायर सिम डीसी इसमें क्या हो रहा है ये आर्मेचर है ये गया यहां से यहां तक वोल्टेज है वीएम पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है पी वॉट्स करंट इसके अंदर गई मान लीजिए आई वन ये पॉइंट आपने अर्थ कर रखा है ठीक है पी पावर ट्रांसफर कर रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू वीएम है और करंट की वैल्यू आई वन है तो आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी और Vm के टर्म्स में पी अपॉन आई वन इज इक्वल टू पी अपॉन वीएम इतना आई वन अगर निकल गया तो लाइन लॉसेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी लाइन लॉस आई स्क्वायर आर लॉस एक तार ये रहा रह, कितना लॉस हो जाएगा टू आई वन स्क्वायर आर सो टोटल लाइन लॉस टोटल लाइन लॉस दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू टू आई वन स्क्वायर आर वन आर वन चलेंगे क्यों क्योंकि हर एक केस में रेजिस्टेंस कम ज्यादा आएगी रेजिटेंस कम ज्यादा क्यों आएगी क्योंकि हर एक केस में कंडक्टर का जो साइज है थिकनेस क्रॉस सेक्शन एरिया वो किसी में कम आएगा, किसी में ज्यादा आएगा इसका मतलब जिसमें कम ज्यादा आएगा उसमें आर वन की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी तो डब्ल्यू की वैल्यू इतनी निकल के आ गई तो डब्ल्यूल टू तो दिस मैं सीधे ये रख देता हूं डब्लू की वैल्यू जिससे दिखने में आसानी हो जाएगी सो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू तो टू आई वन स्क्वायर आर वन आई वन स्क्वायर आर वन डब्ल्यू ये हो गया डब्ल्यू के बाद आई वन की वैल्यू ये है आर वन की वैल्यू कितनी है रो एल अपॉन ए वन यह ध्यान दो तीनों की वैल्यू समझो रो रेस्टिविटी कॉपर यूज करना है तो रेस्टिविटी सब जगह रो वैल्यू बराबर रहेगी एल आप मान चुके हैं हर सिस्टम के अंदर बराबर ही रहने वाला है ए सब में अलग अलग निकल के आएगा वन टू थ्री आप हर जगह वहीं यूज करने वाले हैं जहां पर आपको पता है कि ये वाली वैल्यू अगले सिस्टम में बदल जाने वाली है अगले सिस्टम के अंदर करंट की वैल्यू कुछ और हो जाएगी पी की वैल्यू सेम रहेगी वीएम की वैल्यू सेम रहेगी डब्ल्यू की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन ए वन की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी R1 की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी ठीक है तो अब आईवन की वैल्यू और आरबन की वैल्यू अगर आप इसके अंदर रख दे आपको क्या मिलता है टू पी स्क्वायर अपॉन वीएम स्क्वायर इन टू रो एल अपॉन ए वन इसकी ये वैल्यू होगी डब्ल्यू बराबर ठीक प्रश याद कर लीजिए बड़ा सिंपल सा है आईवन की वैल्यू निकाल दीजिए के टर्म्स में R1 की वैल्यू को बताइए रो एल अपॉन एवं ये दोनों वैल्यूज डब्ल्यू के वैल्यूज पर रख दिए हर एक केस में डब्ल्यू की वैल्यू टू आई वन स्क्वायर आर वन नहीं आएगी हर एक केस में आई वन की वैल्यू पी अपन आएगी यही अगर ए सिस्टम होता तो आई वन की वैल्यू कितनी आती यहां पर पी अपॉन वीएम कॉस्ट फाइव ठीक है कॉस फाइव की वैल्यू भी आ जाती है। इस तरह से अगर ये हो गया तो इसमें ए वन की वैल्यू निकाल सकते हो ए वन इज गल टू दिस अपॉन डब्ल्यू उल्टा कर दिया ए वन अंदर ले गया डब्ल्यूर ले गया क्लियर है यहां तक तो पहले आपने आई वन निकाला है डब्ल्यू निकाला है ए वन निकाला है ये तीन स्टेप याद करिए आई वन डब्ल्यू ए वन ये तीन चीजें निकाल ली अगर एवन की वैल्यू मिल गई अब वॉल्यूम ऑफ कॉपर वॉल्यूम कितना चाहिए होगा आपको क्रॉस क्रॉसिंग एरिया की वैल्यू आ गई क्रॉस क्रॉसिंग एरिया इतना चाहिए आपको लेंथ आपको पता है एल है एल इंटू ए वन एक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन है और की वैल्यू एल है टोटल आपको कितना वॉल्यूम चाहिए होगा टू इंटू वन इंट एल, ए वन टू एल एक तार के लिए वन इंट एल दूसरे तार के लिए तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा टू इंटू वन इंटू एल इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है दिस मल्टीप्लाइड बाई एवन एन टू ट्वेल्व ना टू इंटू एवन एंड टू टू फोर पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर तो दैट इज वी इज इक्वल टू फोर पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू वी एम स्क्वायर इंटू ए टू एवन एंड ट्वेल्व ठीक है टू एवन ट्वेल्व ये आ गया ठीक ये आ गया डीसी टू वायर सिस्टम के लिए अस से दिस इज इक्वल टू के ये के डीसी टू वायर सिस्टम डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट ग्राउंड अर्थ इसमें क्या हो रहा है इसमें ये एक तरीका है ग्राउंड है टू एर स्टम है दो वायर ही है ग्राउंड ये है इसकी वजह से फर्क क्या पड़ रहा है इसमें और इस सिस्टम में क्या फर्क होगा पावर क्या पावर आप जितनी ट्रांसफर करने वाले हैं, पावर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पावर आपने हर जगह सेम मानी है तो जितनी पावर यहां से तक ट्रांसफर होगी दैट विल रिमेन पी वो पी ही रहेगा लेंथ l की वैल्यू चेंज हो सकती है नहीं हो सकती कैनॉट चेंज आपने पहले मान लिया l बराबर है w की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती करंट की वैल्यू यहां पर i1 की करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है यहां पर करंट की वैल्यू हो होगा i2 वोल्टेज की वैल्यू vm चेंज हो सकती है नहीं हो सकती लेकिन vm कहां से कहां तक के बीच में है कंडक्टर से लेकर करके ग्राउंड तक का अगर ग्राउंड तक का है इसका मतलब यहां से यहां तक का जो वैल्यू है दिस इज वी तो यहां से तक कितना हो जाएगा टू वी पावर है पी वोल्टेज है टू वी करंट की वैल्यू आई टू है सो आई टू बराबर सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस यहां पर फॉलो करिए आई टू फिर डब्ल्यू फिर ए वन फिर वी ऐसे निकालना आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी अपॉन टू वी ये आ गया R2 की वैल्यू आर टू रोएल अपॉन ए टू आर टू आर थ्री आर फोर ये तो हर जगह आप सीधे रोएल अपॉन ए करके लिख दीजिए सीधे क्योंकि इस केस में ए टू की वैल्यू कुछ और होगी इस केस में A1 की वैल्यू कुछ और थी इसमें ए टू की वैल्यू कुछ और होगी ये हो गया अगर ये हो गया डब्ल्यू की वैल्यू हो कितनी होगी डब्ल्यू इज्वल टू दो तार है पहले चीज यानी डब्लू की वैल्यू कितनी होगी दो तार हैं एक तार में कितना लॉस होने वाला है आर टू स्क्वायर आर टू

Iven की वैल्यू यहां पर पी अपॉन बी एम थी यहां पर कितनी हो गई टू बी एम यह दोनों सिस्टम के अंदर फर्क आ गया इन्हीं चीजों पर बेस हर सिस्टम के अंदर वैल्यू अलग अलग निकल के आने वाली है इन्हीं चीजों पर आपको ध्यान देना है बाकी प्रोसेस सिंपल एक सिंपल सिंपल प्रोसेस डब्ल्यू की वैल्यू टू आई टू स्क्वायर आई टू आ गई बराबर कितना हो गया टू इन टू पी अपॉन टू बी एम का होल स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन फोर बी एम स्क्वायर सिंपल मैंने आई टू स्क्वायर कर दिया है आई टू की वैल्यू ये है इसका स्क्वायर कर दिया ठीक मल्टीप्लाइड बाय आर टू सो रो एल अपॉन ए टू कितना हो गया ये टू से ये कट जाएगा टू की जगह यहां पर नीचे आ जाएगा टू और ए टू अगर मैं इधर कर दूं तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा अगर ये आपको निकल के आ गया तो ये ए टू की वैल्यू निकल के आ गई अब ये बताइए कि वॉल्यूम कितना लगेगा वॉल्यूम दो तार है टू इंटू ए टू इंटू एल वॉल्यूम टू टू इंटू ए टू इंटू एल हर एक केस में v की वैल्यू टू इंटू एल नहीं होगी किसी केस में टू पॉइंट फाइव आएगी किसी केस में थ्री आएगी इन चीजों पर फर्क पड़ जाएगा ये इन चीजों पर आपको ध्यान देना है बस ये आ गया कितनी वैल्यू आ गई इसकी टू टू से कैंसिल कर गया पी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू रो इन एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू बी एम स्क्वायर इतना आ गया वॉल्यूम की वैल्यू है इसमें जो आई थी उसके हिसाब से इतनी आई है कितनी हो गई अगर ये के था तो अब ये कितना हो गया के बाय फोर विच इज इक्वल टू तो, के बाय फोर विच इज इक्वल टू तो, जीरो पॉइंट टू फाइव के तो अगर यही आपने डीसी टू वायर की जगह डीसी टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ अगर आपने यूज करा होता तो इसमें मान लीजिए चार किलो अगर कॉपर लग रहा होता टोटल तार में चार किलो कॉपर अगर लग रहा होता तो उस केस में कितना लगेगा एक किलो ये दोनों में डिफरेंस है थर्ड वाला देखिए डीसी टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ ऐसा ही होता है उसमें मिड पॉइंट को आप अर्थ करते हैं दिस इज द द वे सिस्टम इज ये सलर सिस्टम है करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी करंट की वैल्यू इसके थी पी बाई टू बी एम इसके पी बाई बी एम करंट की वैल्यू डेफिनेटली कम हो गई इसमें ठीक आदि हो गई लॉस कम हो गया इसी वजह से आपको इसमें कॉपर की वैल्यू कितनी कम हो गई थर्ड सिस्टम देखिए थर्ड सिस्टम है डीसी थ्री वायर सिस्टम थ्री वायर सिस्टम सिस्टम कैसा है ये है ये है ये वाला अर्थ क्या हुआ है तीन वायर ये तीन वायर जा रहे हैं यहां से यहां तक पावर की वैल्यू कितनी होगी पावर की वैल्यू पी से कम या ज्यादा हो सकती है नहीं सकती। दिस विल बी पी वोल्टेज कितना होगा यहां से यहां तक का टू वी एम कंडक्टर से लेके अर्थ तक का जो वोल्टेज है दैट इज वीएम ये वीएम है तो इसका मतलब यहां से तक का टू रहेगा करंट का नाम क्या हो जाएगा आई थ्री का नाम क्या हो जाएगा आर थ्री क्रस्टिंग एरिया का नाम क्या हो जाएगा ए थ्री दैट्स इट आई थ्री की वैल्यू निकालिए डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में एक्चुअली क्या है इसको हमने हाँ ये जरा कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ जाएंगी दिस इज लाइन लॉसेस मतलब यह है कि हम लॉसेस मान के चलते हैं कि खाली कंडक्टर वाली जो लाइन है उसी के अंदर लॉसेस हो रहे हैं न्यूट्रल वाली जो लाइन जा रही है ग्राउंड वाली लाइन उसके अंदर लॉसेस नहीं हो रहे खाली उसमें कॉपर लग रहा है लेकिन उसके अंदर लॉसेस नहीं हो रहे सारे लॉसेस हम उसके अंदर मान के चलते हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू उसके इसमें भी टू इंटू आई थ्री स्क्वायर आर थ्री ही रहेगी क्लियर है।, है ये वाला पॉइंट ये कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी याद कर लीजिए एक तार की आपने रेस्ट निकाली एक तार में लाइन लॉस कितना आई टू स्क्वायर आर टू

कंडक्टर्स का उसके कंपैरिजन में ग्राउंड वाले वायर का डायमीटर हम आधा मानते हैं क्रॉस एरिया आधा मानते हैं तो बराबर हो गया वाला है कि वॉल्यूम टू पॉइंट फाइव एल यूज करेंगे है, के के में कितना निकल के आ रहा है के की वैल्यू जो थी के की वैल्यू जो थी दैट वॉज फोर पी स्क्त रो एल है अभी यहां पर आप देखिए तो यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है P square, rho L square square. तो आप करिए ये वाला काम कि दिस थिंग divided by K, इसको के से डिवाइड कर दीजिए खाली ये वाला काम करना इस पूरी चीज को के से डिवाइड कर दीजिए जो भी वॉल्यूम की वैल्यू आया खरे के वैल्यू आपको पता है के वैल्यू कितनी होती है देखो यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू अस से, से वीटू वी टू की वैल्यू आई पी स्क्र एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यूवीएम स्क्वा पिछले केस में जो के की वैल्यू थी के वॉर कमिंग आउट टू बी फोर पी स्क्वायर रो एल इससे डिवाइड कर दीजिए दिस डिवाइड बाय दिस करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा वन दिस 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 बाय बाय जो भी वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है द के अगर आप कर लेंगे तो आपको K के, कितने, कितने के आती so, है पॉइंट थ्री वन टू फाइव के जीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव के ये वैल्यू निकल के आती है डीसी थ्री वार्ट ठीक है अब यहां पर आइए सिंगल फेज टू वायर सिंगल फेस टू वायर ये वीएम मैक्सिमम वैल्यू वीएम है आर एस वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज आई फोर निकालिए आर फोर इज टू रो एल अपॉन ए फोर आई फोर डब्ल्यू ए फोर वी निकालो जल्दी से कितना निकल के आ रहा है आई फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी अपॉन वी एम बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव नहीं सॉरी कॉस फाइव डिनोमिनेटर में तो आ रहा है ऊपर कहां जा रहा है कॉस फाइव ये हो गई वैल्यू I4 की I4 फोर इज दिस मच आर फोर की वैल्यू रोएल अपॉन ए फोर है डब्ल्यू निकालिए ए फोर निकालिए वी की वैल्यू कितनी होगी वी की वैल्यू वॉल्यूम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी दो तार है कितना लॉस होंगे I4 और R4 अगर आपको दे रखा है तो W की वैल्यू कितनी होगी टू इंटू आई फोर स्क्वायर आर फोर स्क्वायर आर लॉस इसके अंदर भी होगा आई स्क्वायर आर लॉस इसके अंदर भी होगा तो सिंपल टू इंटू आई फोर स्क्वायर आर फोर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी टू इंटू ए फोर इंटूएल्व टू इंटू ए फोर इंटू एल्व निकालो जल्दी से वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ रही है प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया और अगर याद हो गया तो बड़ा आसान प्रोसेस याद हो जाना चाहिए उसके बाद में आपको दिमाग जो लगाना है वो खाली इसमें लगाना है कि W की वैल्यू कितनी आएगी दो तार हैं तो टू इंटू आई फोर स्क्वायर आर फोर हो वॉल्यूम की वैल्यू टू इंटू आई फोर इंटू एल हो जाएगा सिंपल अगर तीन तार होते तो जो भी कंडक्टर होता वहां पर हम लॉसेज मानते अर्थ वाले में लॉसेज नहीं मानते और अर्थ वाले का डायमीटर एरिया वो इस वाले का आधा मानते ये कुछ फिक्स चीजें इस तरह कर देना बस ये अगर आपने ये सारे बैठ के रटने की कोशिश कर दी तो 10 और 10 बीस सिस्टम के अगर आपने रटने की कोशिश की पूरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे इसमें इसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन कॉस्क इन टू फाई के ये वैल्यू आएगी वी की ठीक है सो तो इसकी वैल्यू आ रही है टू अपॉन कॉ स्क्वायर फाइव इसी तरीके से मैं दो तीन वैल्यू लिख देता हूं मैं लिख ले रहा हूं क्योंकि क्योंकि आप लोग सॉल्व करिए किताब के कि अंदर तो सारे डेरिवेशन दे ही रखे हैं किताब में से अगर आपने पढ़ दिया तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा करना नहीं आ पाएगा एग्जाम के अंदर गड़बड़ हो जाएगी तो टू बार सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ ए सी टू बार सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ और एसी थ्री बार सिस्टम इन दोनों की जो चीजें हैं जो वैल्यूज हैं वॉल्यूम की वैल्यू एक की आएगी जीरो पॉइंट फाइव के अपॉन स्क्वायर फाइव और तीसरे वाले का आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव के अपॉन कॉस्कोर फाइव दिस इज फॉर टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ दिस इज फॉर थ्री वायर ये थ्री डब्ल्यू के लिए है ये टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ ठीक है अंडरग्राउंड में खाली इतना डिफरेंस होगा कि ये तो वीएम है ही इस केस में मान लीजिए ये वाला आता है विद मिड पॉइंट अर्थ तो इसमें तो वीएम लिया था इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वीएम क्योंकि आपने इसमें यह माना है कि वीएम की जो वैल्यू है वो सब जगह सेम है फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर नॉट कंडक्टर टू अर्थ तो इस केस में इसकी वैल्यू वीएम हो जाएगी उसके वैल्यू वीएम हो जाएगी इस तरह से उसमें फर्क पड़ जाएगा ठीक है